आज मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ बहुत ही नरम सॉफ्ट व स्पॉन्जी दही बल्ले की रेसिपी। हेलो दोस्तों, मैं हूँ प्रियंका। एक बार फिर से कल्पना किचन मैजिक में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो फिर चलिए दही बल्ले को बनाना शुरू करते हैं। यहाँ पर मैंने ली थी धुली हुई उड़द और मूंग की दाल। दाल को मैंने 2 घंटे के लिए भिगा कर रख दिया था और 2-3 बार अच्छे से धोने के बाद इसका सारा पानी भी निकाल दिया है। आप चाहें तो दाल को एक साथ भी भिगा कर रख सकते हैं। मैंने आपको दिखाने के लिए इन्हें अलग अलग भिगोया है। जिस भी कटोरी या बर्तन से आपने मूंग दाल को लिया है उसी से आप उड़द दाल को लें। अब हम दाल को मिक्सी जार में डालकर इसमें 2 चम्मच पानी डाल देंगे और इसे हल्का दरदरा पीस लेंगे। मूंग दाल को पीसने के बाद हम इसे किसी बड़े से बर्तन में निकाल लेंगे क्योंकि ये फेंटने के बाद दुगनी हो जाती है। अब हम सेम इसी तरीके से अपनी उड़द दाल को भी डालकर पीस लेंगे। उड़द दाल को पीसने के बाद हम इसे भी उसी बर्तन में निकाल लेंगे जिसमें हमने मूंग दाल को निकाला था। और अब हम इसमें ऐड करेंगे 1 टेबलस्पून नमक, बारीक कटी हरी मिर्च और बारीक कटा अदरक। हरी मिर्च और अदरक को डालने से हमारे दही बल्लों में बहुत ही अच्छा टेस्ट आता है। और अब हम अपनी दाल को हाथों की सहायता से सेम एक ही डायरेक्शन में फेंट लेंगे। दाल को हम कम से कम 6 से 7 मिनट तक फेंटेंगे। दाल को हम जितने अच्छे तरीके से फेंटेंगे हमारे दही बल्ले उतने ही नरम, सॉफ्ट और स्पॉन्जी बनेंगे। और हमारी दाल अच्छे तरीके से फेंटने के बाद फूलकर दुगनी हो जाएगी। और ये देखिए, दाल को हमने 6 से 7 मिनट के लिए फेंट लिया है और ये फूलकर भी दुगनी हो गई है। अब हम एक कटोरी में पानी लेंगे और उसमें दाल को डालकर देखेंगे। और ये देखिए, दाल हमारी तैरकर पानी के ऊपर आ गई है। तो फिर समझिए हमारा दही बल्लों के लिए एकदम परफेक्ट बैटर बन चुका है। अब हम कढ़ाई में गैस पर तेल को गर्म होने के लिए रख देंगे। अब हम एक बाउल में पानी रखेंगे और अपने हाथ को गीला कर लेंगे। और अब हम बैटर से कुछ मिक्सचर अपने हाथों में लेंगे और दही बल्लों का आकार देते हुए कढ़ाई में छोड़ देंगे। दही बल्लों को कढ़ाई में छोड़ते समय हमारा तेल तेज गर्म होना चाहिए और तब हम अपनी गैस का फ्लेम लो टू मीडियम कर देंगे। जैसे ही हम दही बल्लों को कढ़ाई में छोड़ देते हैं तो वो तेल के टेम्परेचर को रूम कर देते हैं, लेकिन हम दही बल्लों को अंदर तक सेकने के लिए इन्हें लो टू मीडियम फ्लेम पर ही सेकेंगे। और जैसे ही हमारे दही बल्ले एक साइड से सिक जाएंगे, हम किसी कड़छी की सहायता से इन्हें दूसरी साइड से पलट कर सेक लेंगे। और इस प्रकार हम अपने दही बल्लों को दोनों साइड से अलटते पलटते हुए गोल्डन ब्राउन होने तक सेक लेंगे। दही बल्ले हमारे सिकने के बाद दोनों साइड से गोल्डन ब्राउन हो चुके हैं। अब हम इनका सारा तेल बाहर निकालते हुए इन्हें कढ़ाई से बाहर निकाल लेंगे। पहले बैच के दही बल्लों को प्लेट में रखने के बाद अब हम सेम इसी तरीके से अपने दूसरे बैच के दही बल्लों को छोड़ देंगे और जितने हमारे तेल में आ सके हम उतने ही दही बल्लों को कढ़ाई में छोड़ देंगे। अपने सभी दही बल्लों को कढ़ाई में छोड़ने के बाद हम अपनी गैस के फ्लेम को लो टू मीडियम रखेंगे और जैसे ही हमारे दही बल्ले एक साइड से सिक जाएंगे, हम इन्हें कड़छी से दूसरी साइड से पलटकर सेक लेंगे। और ये देखिए, हमारे दही बल्ले दोनों साइड से अच्छे तरीके से सिक चुके हैं और इनका कलर भी गोल्डन ब्राउन हो चुका है। अब हम अपनी गैस का फ्लेम बंद कर देंगे और अपने दही बल्लों का सारा तेल बाहर निकालते हुए इन्हें एक प्लेट में निकाल कर रख लेंगे। अपने सभी दही बल्लों को बनाने के बाद अब हम एक भगोने में 2 लीटर पानी रखेंगे और पानी में 1 टेबलस्पून नमक और 2 पिंच हींग डाल देंगे। पानी को गुनगुना गर्म होते ही हम अपनी गैस का फ्लेम बंद कर देंगे और अपने सभी दही बल्ले उसमें ऐड कर देंगे। और अपने सभी दही बल्लों के पकौड़ों को हाथों से अच्छे तरीके से डुबा देंगे और आधा घंटा रेस्ट करने के लिए छोड़ देंगे। जब तक हमारे दही बल्ले रेस्ट करते हैं तब तक हम अपनी दही तैयार कर लेंगे। अब हम लेंगे एक बाउल में दही और उसमें 1 चम्मच चीनी को डालकर अच्छे से मिला लेंगे। अब हम अपने दही बल्लों को चेक करते हैं। आधा घंटा दही बल्लों को भिगाने के बाद ये सॉफ्ट भी हो चुके हैं और दही बल्लों ने अपने अंदर पानी को भी एब्जॉर्ब कर लिया है। अब हम इन्हें हल्के हाथों से निचोड़ देंगे और चाट को बनाने के लिए दही बल्लों का पानी निकालते हुए इन्हें एक प्लेट में रख लेंगे। दही बल्लों को प्लेट में फैलाने के बाद हम इनके ऊपर सबसे पहले दही डाल देंगे। दही बल्लों के ऊपर अच्छे से दही को फैलाने के बाद हम इसके ऊपर ग्रीन चटनी डाल देंगे। अगर आपको भी ग्रीन चटनी या फिर इमली की चटनी का लिंक चाहिए तो वो मैंने अपने चैनल के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है। ग्रीन चटनी को डालने के बाद हम इसके ऊपर इमली की चटनी को फैलाकर डाल देंगे। चटनी को डालने के बाद अब हम चाट के ऊपर मसाले छिड़क देंगे। सबसे पहले हम चाट के ऊपर डालेंगे काला नमक, उसके बाद हम डालेंगे इसके ऊपर भुना जीरे का पाउडर और अब हम डालेंगे चाट के ऊपर क्रश किया हुआ सूखा पुदीना और अब हम डालेंगे तीखी लाल मिर्चें। सूखा पुदीना ऑप्शनल है, अगर आपके पास हो तो डाल दें वरना स्किप कर सकते हैं। दही बल्लों के ऊपर मसालों को डालने के बाद अगर आपको अनारदाने पसंद हो तो आप उन्हें भी डाल सकते हैं।
और इस तरीके से हमारे घर पर हलवाई जैसे एकदम सॉफ्ट व नरम स्पॉन्जी दही बल्ले बनकर तैयार हैं। अगर आप भी मेरे तरीके से दही बल्ले बनाएंगे तो आपके भी दही बल्ले एकदम नरम बनकर तैयार होंगे और खाने में इनका स्वाद एकदम लाजवाब होगा। अगर आपको मेरी रेसिपी अच्छी लगती है तो प्लीज़ आप इन्हें लाइक व शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।